और गुवाहाटी से हमारे बीच मनोज जी रारा यहाँ पे उपस्थित हैं, वो अपनी शंका का समाधान आपके ये सामने पहले रखना चाहते हैं। आ जाएं मनोज जी रारा। मोक्ष और निर्वाण में क्या फर्क है जो अलग अलग बोला जाता है? बोलिए, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, अतिशयकारी श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, विश्व के सबसे सुंदर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चमत्कारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। देखो, आप जब तक जोर से नहीं बोलेंगे मैं आपको बुलवाती रहूंगी। बोलिए, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। इनका जो प्रश्न है वो पंच कल्याणक से संबंधित है, यानी मोक्ष कल्याणक। कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक। तो निर्वाण और मोक्ष, जिन्होंने कर्मों का बाण तोड़ दिया हो वो निर्वाण, और जिन्होंने आठों कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर ली हो, समस्त इच्छाएं आकांक्षाओं से मुक्ति प्राप्त कर ली हो, वो मोक्ष। चलिए अगला प्रश्न। और अभी आपको पता है कि जब यहाँ पंच कल्याणक होंगे तो 7 फरवरी को मोक्ष कल्याणक होगा। कितनी फरवरी को? 7 फरवरी को मोक्ष कल्याणक होगा, भगवान का मोक्ष होगा। और यहाँ भगवान मूल वेदी में नए मंदिर में जहाज के अंदर हम सबको पार करने के लिए विराजमान किए जाएंगे। और उसी दिन से भगवान का नए मंदिर में महामस्तकाभिषेक शुरू किया जाएगा। यहाँ तो अभिषेक आपने बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन नए मंदिर का महामस्तकाभिषेक एक अलग ही रूप होगा, एक अलग ही भाव होगा, एक अलग ही उमंग होगी, उत्साह होगी। जब आप नए घर में जाते हो तो कैसा लगता है? रह तो आप पुराने घर में भी रहे थे, लेकिन जब नए घर में लाते फीलिंग आती नहीं आती है? बस ऐसे ही नए मंदिर में, नई वेदी में भगवान के विराजमान होने के बाद जो महामस्तकाभिषेक होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो महामस्तकाभिषेक के माध्यम से तारीख 20 तक, कौन सी तारीख? 20 तारीख, दूसरा महीना, सन 2020, और 20वें तीर्थंकर का महामस्तकाभिषेक। अभी अभी खत्म नहीं हुआ मामला, अभी एक और बात रह गई है जो सबसे मूल है। 20वें तीर्थंकर का 20 तारीख को मोक्ष कल्याणक भी है। आप संयोग देखिए, ना मैंने मिलाया ना आपने मिलाया, पंच कल्याणक की तारीख निकली और अपने आप संयोग मिल गया कि 20 तारीख को भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तब तक मस्तकाभिषेक चलाया जाएगा। तो इस तरह से भगवान का निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक होगा। और उसी महीने में ठीक 14वें दिन भगवान का साक्षात मोक्ष कल्याणक की तिथि भी आ जाएगी। आप संयोग देखिए कि मोक्ष भी होगा पंच कल्याणक का, और उस समय पर तिथि भी उसी महीने में आ रही है। ये बहुत बड़ा संयोग है, ऐसा संयोग मेरे ख्याल से दोबारा नहीं मिलने वाला है। और पंच कल्याणक कौन से तीर्थंकर का होगा? विधि नायक कौन होंगे? मुनि सुब्रत नाथ भगवान। अभी तक भारत में बहुत सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हो चुके, आदिनाथ भगवान का सामान्यतः होता ही होता है ना, नैमिनाथ जी का हो चुका, पारसनाथ जी का हो चुका, बाहुबली के पंच कल्याणक नहीं होते भाई साहब। बाहुबली भगवान है मगर तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर और भगवान में अंतर होता है ना। तो अब भारत में पहली बार मुनि सुब्रत नाथ भगवान का पंच कल्याणक पहली बार होगा। तो उस पंच कल्याणक में आप सब इंद्र इंद्राणी के रूप में आमंत्रित हैं, देव देवी बन करके आए यहाँ पर। क्या बन करके आए? मनुष्य के रूप में नहीं बुला रही हूँ, कि क्या बना के बुला रही हूँ? स्वर्ग जाना चाहते हो ना? अरे बोलो ना,
स्वर्ग जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। टीवी में देखने वाले भी उठा लें। हाँ, तो उसका थोड़ा सा एक टेलर, एक नमूना आप यहाँ देखें तो सही कि जब हम इंद्रिंद्राणी बनकर जहाजपुर में पंच कल्याणक में बैठेंगे तो कैसा लगता है, तो स्वर्ग में कैसा लगेगा, है ना? आप आओगे तो आपकी पूजा की थाली, आपकी भोजन की थाली दोनों तैयार मिलेगी। दोनों आपको नहीं लगानी पड़ेगी। आपको अपने घर में पूजा की थाली भी लगानी पड़ती है मंदिर में, और घर में भोजन की थाली लगानी भी पड़ती है, खुद के लिए बनानी भी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो आनंद से, पूरे आनंद से बैठकर आप पूरे पंच कल्याणक में पूरी भक्ति करना, यहाँ पर आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। चलिए आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सुनीता जैन वाचदीद नगर महाराष्ट्र से आ जाएं। और माता जी, मेरा ये प्रश्न है, हम सिरतलों पर जाते हैं तो घर में कोई घटना घटे तो उसका सूतक पातक कैसा पालन करे? और प्रतिमा धारी के भी घर में भी ऐसा कोई घटना घटे तो वो भी कैसे कर सकते हैं? जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर से आपका आत्मीय संबंध है, जिस घर से आपका मोह जुड़ा है, तो सूचना मिलने के बाद सूतक पातक तो लगेगा ही, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो दूर आ गए घर से इसलिए हमें तो नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सूतक पातक जो होता है ना, ये शरीर का संबंध बाद में है, आत्मा का संबंध पहले है। और ये मैंने अभी एक बार प्रैक्टिकल यहाँ पर किया कि एक जोड़ा यहाँ पर रहता था जो यहाँ पूजा आदि का कार्य करता था, जो सामग्री आदि बनाते थे, तो उनके जो पुरुष था उसके चाचा की डेथ हो गई। अब पत्नी बोली, तुम्हारे चाचा हैं तुम जाओ, मैं तो नहीं जा रही, और तुम्हारे चाचा तो हमेशा लड़ते रहते थे मेरे से, मेरी बुराई करते रहते थे, मैं तो नहीं जा रही। अब मैंने उस पर, वो नहीं गई, आदमी चला गया, मैंने उस पर नज़र रखी। अब उसने मेरे से आके कहा, बोले माता जी 13 दिन तो मेरे खाली हैं, अब मुझे ना पूजा करना ना पाठ करना, कुछ ऐसा काम बता दो कि मैं वो करती रहूं। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप जो हैं बाहर बैठकर मंदिर के और 1.25 लाख का जाप ले लो, 13 दिन में आपका करीब करीब पूरा हो जाएगा। मुंशीनाथ भगवान का छोटा सा जाप है, आप कर भी लेंगी। तो उसने स्वीकृति भी दे दी और ले भी लिया। अब वो वहाँ आकर बैठे, जाप करने में उसका तो मन ही ना लगे, बार 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 दिमाग उसका वहीं जाए। अब अर्थी सामने रखी होगी, अब सब लोग बैठे होंगे, अब ले जा रहे होंगे, अब शमशान में पहुंच गए होंगे, अब सब लोग रो रहे होंगे, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। उसने एक माला नहीं फेर पाई, 3-4 दिन तक एक भी माला नहीं फेर पाई। उसके दिमाग में वो ही चलता रहा, वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। जबकि चाचा लड़ते थे, लड़ने से मोह खत्म नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। कोई ये सोचे कि लड़ने से मोह खत्म हो जाता, तो मोह खत्म नहीं होता है, और प्रगाढ़ हो जाता है। जितना याद आप पहले नहीं कर रहे थे, उससे ज़्यादा याद बाद में करते हो जब आपकी लड़ाई हो जाती है। करते कि नहीं करते? अभी आपके घर में बहू सब ठीक ठाक है, याद आ रही क्या? नहीं आ रही है। लेकिन जब बहू से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो दिमाग में वही चलती रहती है। इसका मतलब राग से ज़्यादा संबंध द्वेष का है। तो अब 4 दिन तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। फिर 4थे दिन जब वहाँ पर वो सारा वो फूल वगैरह उठा लेते हैं और वो ले जा लेते हैं, 4थे-5वें दिन से उसका मन शांत हुआ, और 13 दिन में मन उसका पूरा शांत हुआ। ये मैंने प्रैक्टिकल उसके ऊपर देखा है। तो जो भगवान महावीर ने ये सूतक पातक ये सारी विधि जो बताई है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, और ऐसा ही करना चाहिए। इसीलिए आप भले ही तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो आप खुद पर प्रैक्टिकल करना कि आप तीर्थ यात्रा पर हों, यदि घर में घटना घट जाए तो आपका मन तीर्थ यात्रा पर भी नहीं लगता है। तो इसीलिए भगवान ने पहले कह दिया 13 दिन की अवधि है, इतने में तो शांत हो ही जाएगा, तो आप उसे 13 दिन के लिए दूर रहें। और 10 दिन के लिए जब जन्म होता है, उस समय दुख का समय होता है और इस समय खुशी का समय होता है। तो खुशी के माहौल में भी इंसान सब भूल जाता है, घर में बच्चा आया है,
नया मेहमान आया है, बड़ी खुशी होती है, मन ही नहीं लगता किसी काम में, सारे दिन वो बच्चे बच्चे की याद आती रहती है, तो 10 दिन के बाद में वो भी शांत हो जाता है। अब आ गया ना, 10 दिन के समय में उसका विचार भी शांत हो जाता है। तो सूतक और पातक आप किसी भी तरह से मानो, चाहे आप भले तीर्थ यात्रा में हो, सूचना मिलने के बाद मानना आवश्यक है। यदि आप पूजा में बैठे हैं, विधान में बैठे हैं, पंच कल्याणक में बैठे हैं और पहले से आपको पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, आप ध्यान से सुनना, पहले से आपको पता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, तब आपने धागा बंधवा लिया है और फिर अचानक ऐसा हो गया है तो नहीं लगेगा। और पहले से पता है कि अब 4 दिन में होने वाला है, जब धागा बंधवा लो पहले से, फिर तो वो आप कोई रास्ता निकाल रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, फिर वो आप जानो और किसी बड़े महाराज से पूछना, बड़े आचार्य से पूछना कि फिर क्या करना है, है ना। अब प्रतिमाधारी यदि भोजन घर में करता है, घर में रहता है, तो भी लगेगा उसका, उसका घर से संबंध है, घर से मोबाइल से संबंध है, मिलना जुलना चलता रहता है, है लेना देना चलता रहता है, तो सूतक पातक लगेगा, चाहे भले वो कहीं रह रहा हो, प्रतिमा भी है तो भी लगेगा। अपने घर में यदि भोजन नहीं करो तो रह सकते हैं, अपने घर का पानी और अपने घर का भोजन नहीं करो, किसी और के घर में कर लो तो चल जाएगा, अपने घर का यदि भोजन करते हो तो फिर नहीं चलेगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बीना जैन दिल्ली से, इसके बाद आ जाएं आशा जी दिल्ली, तैयार रहें।